सो हे गाइस, क्या आप लोग भी अपने माउस पॉइंटर के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हैं या फिर आप लोग अपने माउस पॉइंटर के ही कलर को चेंज करना चाहते हैं? वेल गाइस, ऐसा कैसे करें, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। गाइस बने रहिए वीडियो के एंड तक, आज आप लोग जान जाएंगे कि आप लोग अपने माउस पॉइंटर के बैकग्राउंड कलर को कैसे चेंज करेंगे। गाइस मैं वीडियो विंडो 11 के लिए बना रहा हूं, आप लोग विंडो 10 यूज करते हैं तो उसमें भी आप लोग ऐसा प्रोसेस करके अपने माउस पॉइंटर के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। तो गाइस चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस चलिए हम पहले जानते हैं कि हम अपने माउस पॉइंटर के बैकग्राउंड कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए हमें एक छोटा सा जिप फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बगैर आप लोग अपने माउस पॉइंटर के बैकग्राउंड कलर को नहीं चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले जिप फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। गाइस ये फाइल ज़्यादा हैवी नहीं है, 6.2 KB का है, तो इससे हमें हमारे लैपटॉप को कोई हार्म नहीं पहुँचेगा। तो चलिए हम पहले डाउनलोड कर लेते हैं उसे। तो उसका पहले हम यहाँ पे सर्च करेंगे हाइलाइटर गेट कर्सर सेट कर्सर हाइलाइटर सेट कर्सर, तो इसे हम सर्च करेंगे और उसे सर्च करने के बाद यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में ही आ जाएगा। नहीं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं designer.com जो ऑप्शन रहेगा उसे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद हमें इसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं 6.2 KB का ये इसका साइज है, तो यहाँ से हम इसे डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमारा फाइल डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ से हमारा जो फाइल है डाउनलोड हो चुका है। और चलिए अब हम इसे अपने फाइल फोल्डर में जाके देखते हैं, ये डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड किए हैं तो आप लोगों का ये डाउनलोड फोल्डर में रहेगा। आप देख सकते हैं डाउनलोड फोल्डर में यहाँ पे जिप फाइल करके इसी तरह का आएगा हाइलाइटर, यहाँ देख सकते हैं हाइलाइटेड नीचे हेडलाइन हाइलाइटेड है, इसी जिप तरह का जिप फाइल रहेगा। इसी हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, पहले हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तब जाके इसे यूज़ कर सकेंगे। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें इस पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस पर हमें अपने माउस कर्सर को ले जाके एक बार क्लिक करना होगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट आल वाला ऑप्शन है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। विंडो 11 में एक्सट्रैक्ट आल वाला ऑप्शन यहाँ पे ऊपर रहता है और विंडो 10 में यहाँ पे अगर माउस पैड में आप लोग राइट क्लिक करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा, प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा, तो उसी में आप लोगों का एक्सट्रैक्ट ऑप्शन दिखेगा। तो विंडो 10 में आप लोग उस तरह से करेंगे और विंडो 11 में आप लोग इस पर पहले से जिप फाइल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऊपर आप लोगों को एक्सट्रैक्ट आल वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस पर हम क्लिक कर देंगे। और उस पर क्लिक करने के बाद हम इसे फाइल को कहाँ ब्राउज करने वाले हैं उसे हम सेट कर लेंगे। यहाँ से हम इसे डाउनलोड में ही ब्राउज करेंगे, तो यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर कर दीजिए डाउनलोड वाला और उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ से फाइल हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा जो माउस पॉइंट है उसका बैकग्राउंड कलर, बहुत सारा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आ गया है। तो अब हमारा ये काम पूरा हो गया है, अब चलिए हम अपने माउस पॉइंटर के बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हैं। तो इसके लिए हमें अपने सेटिंग में जाना पड़ेगा, तो चलिए हम अपने सेटिंग में चलते हैं। यहाँ से हम अपना सेटिंग ओपन कर लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से ब्लूटूथ वाले ऑप्शन में। अभी मैं गया था वही मैंने बैक किया, उसके बाद ब्लूटूथ में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे माउस वाले ऑप्शन में आएंगे। तो माउस वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे नीचे एडिशनल माउस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे हमें पॉइंटर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, कुछ इस तरह का एरर आएगा तो आप लोग ओपन कर दीजिएगा, वैसे तो आप लोग पहली बार करेंगे तो ये एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कस्टमाइज वाला ऑप्शन जो है, आप लोग देख सकते हैं अभी मेरा नॉर्मल सिलेक्ट है, तो हमें नॉर्मल माउस पॉइंटर का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ माउस पॉइंटर ये नॉर्मल है, और ये जो हेल्प सिलेक्ट है अगर आप लोग किसी हेल्प के लिए यूज़ करते हैं तो ये है कुछ इस तरह का माउस पॉइंटर आता है। अगर आप लोगों का सर्वर बिजी रहता है तो कुछ इस तरह का, अगर आप लोग इस पर सिलेक्ट करके माउस पॉइंटर का बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देंगे तो आपका सर्वर जब बिजी रहेगा तब आपके माउस पॉइंटर का बैकग्राउंड कलर चेंज रहेगा। तो यहाँ से हम नॉर्मल सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक किए रहेंगे और उसके बाद हम इसे यहाँ से ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो मैं जिप फाइल डाउनलोड किया था उसे मैं कहाँ एक्सट्रैक्ट करके रखा था मैंने, तो यहाँ से मैंने डाउनलोड वाले ऑप्शन पे रखा था उसे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मैंने जो एक्सट्रैक्ट किया था सभी फाइल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जो भी कलर आप लोग चूज करना चाहते हैं अपने माउस पॉइंटर का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए तो उसे सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से पर्पल हाईलाइटेड
हाईलाइट यूज करूंगा, तो इस पर हम सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें हमारा फाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो गया है, और यहाँ से हम नीचे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये अप्लाई हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं हमारे माउस पॉइंटर का बैकग्राउंड कलर पर्पल हो गया है, तो यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे माउस पॉइंटर का बैकग्राउंड कलर पर्पल कलर का हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम अपने माउस पॉइंटर के कलर को कैसे चेंज करें। गाइस, अगर आप लोग अपने माउस पॉइंटर के कलर को चेंज करेंगे तो आपका माउस पॉइंटर का बैकग्राउंड कलर हट जाएगा। तो हमें माउस पॉइंटर का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सॉरी हमारे माउस पॉइंटर का कलर चेंज करना होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस में आएंगे और यही माउस वाले ऑप्शन में आएंगे, और माउस वाले ऑप्शन में आने के बाद हम यहाँ पर माउस पॉइंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हैं एडिशनल माउस सेटिंग के नीचे, तो इसी पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं येलो कलर का ऑप्शन है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कुछ सिलेक्टेड हैं अभी कलर्स, तो इसमें से आप लोग चेंज कर सकते हैं सिलेक्टेड कलर्स। आप लोग देख सकते हैं हमारा माउस पॉइंटर का बैकग्राउंड कलर हट गया है। अगर आप लोग माउस पॉइंटर के कलर को चेंज करेंगे तो माउस पॉइंटर का बैकग्राउंड कलर हट जाएगा। तो यहाँ से सिलेक्टेड कलर है, आप लोग इसमें से कोई सा चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग चूज अनदर कलर में पर क्लिक करके यहाँ से कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम फिलहाल अभी यहाँ पे रेड वाला क्लिक करके इसे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे कभी कहीं सेव नहीं करने का ऑप्शन रहता है, बस जिस पर आप क्लिक कर देंगे वही आपका सेव हो जाएगा। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं हमारे माउस पॉइंटर का कलर रेड हो गया है। तो इस तरह से आप लोग अपने माउस पॉइंटर के बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं और आप लोग अपने माउस पॉइंटर के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग माउस पॉइंटर को हाई मतलब बड़ा करना चाहते हैं तो यहीं से कर सकते हैं अपने माउस पॉइंटर के साइज को बड़ा। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारा माउस पॉइंटर का साइज कितना बड़ा हो गया है। तो यहीं से आप लोग अपने माउस पॉइंटर के बहुत सारे सेटिंग को कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।